गुड इवनिंग सबको। आज हम लोग लेसन 4 का एक टॉपिक है राजा राम मोहन राय। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने नवजागरण पढ़े थे और नवजागरण के पहले हम लोग पढ़े थे मध्य वर्ग का उदय। तो मध्य वर्ग कैसे आया, नवजागरण काल में क्या उनका योगदान था, ठीक है, ये सब पढ़े थे। आज हम नवजागरण काल के सबसे महान व्यक्तित्व, ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित जितनी भी बातें आएंगी आप लोग कॉपी खोल करके वहां पे लिख सकते हो पॉइंट फॉर्म में, और बाद में अगर जरूरत पड़े तो मैं ये भी भेज दूंगा आप लोग का, ठीक है, ये वर्ड फाइनल। तो राजा राम मोहन राय के बारे में जानने से पहले उनके बारे में हम लोग फैक्ट्स जानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बेसिक फैक्ट्स में बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोग कुछ कुछ जानते होंगे, राजा राम मोहन राय का नाम जो था, राजा राम मोहन राय जन्म, ठीक है, 22 मई 1772, कहीं कहीं आप 1774 भी देखोगे, इनके बर्थ में ये डेट में कंफ्यूजन है थोड़ा, ठीक है। उनका जो जन्म स्थान था वह बंगाल के हुगली जिले में हुआ था, ठीक है, और उनका जो गांव का नाम था वो था राधानगर गांव, ठीक है, हुगली के राधानगर गांव। उनके पिता का नाम रामाकांत तो नहीं होगा, रामाकांत रॉय थे, ठीक है, माता का नाम तारिणी थी, और पेशे से ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य जमींदार और सामाजिक क्रांति के बने। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब एक के अंडर भी उनके पिताजी काम किए थे, और बाद में वे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ सामाजिक और जमींदारी क्रांति के का जो आगे ले जाने में उनका योगदान रहा। वो क्यों जाने जाते हैं इतिहास में, जैसे कि हमको पता है, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह आदि का विरोध किया था, ठीक है। उसके बाद है, उन्होंने कुछ पत्रिकाएं जारी की, जैसे ब्रह्मोनिकल पत्रिका, संवाद कुमुदी, ठीक है, मीरातुल अखबार, ठीक है, ये सब प्रसिद्ध है। उपलब्धि में हम लोग बोल सकते हैं राजा राम मोहन रॉय के बीच मुख्य रूप से हम लोग सती प्रथा के लिए जाने जाते हैं, और बहुत सारे कुछ है, अभी नहीं बताऊंगा सारा, ठीक है, अब डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, राजा राम मोहन राय एक भारतीय सामाजिक शिक्षा सुधारक थे, जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माता और आधुनिक भारत के पिता और बंगाल का नवजागरण के पिता, ठीक है, इनको बहुत नाम से जाना जाता है, हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जानना है, राजा राम मोहन रॉय को फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने, ये पहले भारतीय थे स्पेशली बंगाल से, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सात समुद्र पार करके, ठीक है, बाहर गए, और वहां से जो उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का अध्ययन किया, उस अध्ययन को, ठीक है, भारत में प्रचार और प्रसार किया, और भारत में जो भारतीय समाज जो एक कुरीति से डूबा हुआ था, एक मध्यकालीन जो कुरीति था उसमें जो डूबा हुआ था, इस कुरीति से निकालने का काम किया और आधुनिकता की राह में लाया, इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता बोला जाता है। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का भी समर्थन किया, और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से वे भारतीयों को शिक्षित करना चाहते थे, इसलिए उनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। बंगाल के पुनर्जागरण के पिता भारत पथिक भी कहा जाता है। कौन बोला था भारत पथिक? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, याद रखोगे। कौन बोला था उनको? रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बोला था? भारत पथिक, याद रखोगे, ठीक है। ठीक है, जिन्होंने 18वीं शताब्दी के दौरान समाज में प्रचलित सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए बहुत योगदान दिए, ठीक है, समाज में, वही मैं पहले बता दिया, जो बुराई, जो संकट था, ठीक है, उन्हें दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अपनी मातृभूमि को बेहतर जगह का हर संभव प्रयास किया, ठीक है, मतलब आगने वाला पीढ़ी अच्छा हो और उसके मतलब जो विकसित हो, उनके लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। राजा राम मोहन राय के बारे में और क्या हम लोग जान सकते हैं? राजा राम मोहन रॉय एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को बदलने के लिए सराहनीय
प्रयास किए और पुरानी हिंदू परंपरावादी को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई। जो हम हमारे हिंदू में बहुत सारा प्रॉब्लम था ना, हिंदुइज्म में भी बहुत सारा, जैसे तुम्हारा बाल विवाह में बोला सती प्रथा था, ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो बच्चे को मार दिया जाता था, ठीक है, अगर बच्ची बच्ची जन्म लेती थी, ठीक है, इन सारे को उन्होंने विरोध किया, ठीक है, बहुपतित्व, ठीक है, बहुविवाह, जो विवाह बहुत ज्यादा हो कर लेते थे व्यक्ति, ठीक है, इन सारे जो समाज में कुरीति था उसको दूर करने का प्रयास। उन्होंने समाज को बदलने के लिए बहुत सारे सामाजिक सुधार किए और भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर नवजागरण काल में बोले तो महिलाओं की स्थिति सुधारने में, ठीक है, उनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है, महिलाओं की स्थिति सुधारने में सारे प्रयास किए। राजा राय ने सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब सती प्रथा क्या है आप लोगों को शायद पता है, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। हम लोग का सती प्रथा वो प्रथा था जिसमें क्या होता था कि जो अगर पति है, ठीक है, वो मर जाते हैं, ठीक है, उनका डेथ हो जाता है किसी कारणवश, तो पत्नी को भी उनके मृत्यु शय में जला दिया जाता, ठीक है, इस तरह का उदाहरण। और सती प्रथा का पहला उदाहरण हम लोग बोल सकते ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखे तो 510 ईस्वी में ईरान, ठीक है, यूपी में ईरान बोल के जगह है, ईटाह डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वहां पे एक शिलालेख में पहली बार सती प्रथा का, ठीक है, हम लोग प्रमाण देखते हैं। उसके बाद देखते हैं यह भारतीय परंपरा का हिस्सा बन गया। लेकिन एक बात हम लोग को समझना पड़ेगा, ये जो प्रथा था बेसिकली इसको लेकर बहुत सारा विवाद है। कहा जाता है कि सती प्रथा जो था मुख्य रूप से चारों वर्णों में नहीं था, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र है ना, ये चारों में नहीं था, ये सिर्फ क्षत्रिय में माना जाता था, ठीक है, क्षत्रिय में होता था। जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है नहीं, सती प्रथा, ठीक है, सभी में था। अब इसमें लॉजिक ये था कि अगर कोई हम लोग का जब विवाह होता है तो विवाह के दौरान सात फेरे लिया जाता है, एंड सात फेरे जो है, सात फेरे लेना को क्या एक सिंबल है कि सात जन्म तक का है ना, तुम सात जन्म तक साथ रहोगे, तो वो सिंबल माना जाता है। लेकिन अगर पति का डेथ हो जाता है तो पत्नी अगर अकेला कैसे जीवन व्यतीत करेगी, ठीक है, तो उनको भी क्या करते हैं उनके सैया में। लेकिन ये पूरा ही गलत धारणा था, क्योंकि ठीक इसके उल्टा कर दे तो महिलाओं के खिलाफ इस तरह का नहीं था, अगर महिला मर जाती थी तो किसी पति को नहीं जलाया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ना। सब एक बात इमेजिन करो, ठीक है, ये बोलना बड़ा अच्छा लगता है, इमेजिन करो, ठीक है, कोई अगर डेथ कर गया, सच में उसको जला दिया है जिंदा आदमी को, कितना बुरा तरह का प्रथा है कि नहीं, ये एकदम है बुरा तरह का प्रथा था। तो इनको इन लोगों ने क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो सती प्रथा ये था, देखना सती प्रथा था रिलेटेड। और एक प्रथा है जौहर प्रथा, आप लोगों में से पता है किसी को जौहर प्रथा और सती प्रथा में क्या होता है अंतर, तो बताना चाहेगा जौहर और सती प्रथा में क्या अंतर होता है। सर मैं बताऊं? हाँ सर, सती प्रथा में मतलब जबरदस्ती जलाया जाता था औरतों को उनकी इच्छा के विरुद्ध, लेकिन जौहर प्रथा में औरतें खुद अपनी मर्जी से जलती थी उनके पति के मर जाने के बाद। हाँ ठीक है, आप लोग अमावत मूवी में देखे होंगे। यस सर, उसमें जो दीपिका पाडुकोण है ना, वो जौहर कर लेती है लास्ट में। अगर दिख रहा है कि कोई ऑप्शन नहीं है कि अभी आपके शत्रु के पास अब जाना पड़ेगा महिलाओं को, तो वो अपने आनबान शान बचाने के लिए, ठीक है, वो अपने आप को स्वयं आग में, ठीक है, कूद जाती थी, अपने आप को जला देती। तो ये भी एक प्रथा है। लेकिन एक रितु एकदम करेक्ट बोली 100%, बहुत लोग बच्चे हैं कि सती प्रथा में क्या होता था, फोर्सफुल्ली, ठीक है, जड़ाया जाता था, ठीक है, और जौहर में क्या होता था, ये तुम्हारा खुद कराने में था, जिसमें महिला खुद जल जाती, ठीक है। लेकिन सती प्रथा बहुत प्राचीन प्रथा है, और जौहर प्रथा हम लोग बोलते हैं इस्लाम जब यहाँ पे रूल कर रहा था, उस समय ये जो जौहर प्रथा था बहुत ही पॉपुलर हुआ, ठीक है। लेकिन आज अगर हम लोग बात करें तो आज ये दोनों ही प्रथाओं में से कोई प्रथा नहीं है, और इसमें से जो एक प्रथा थी तुम्हारा सती प्रथा, इनके विरोध में, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने अपने बहुत बड़ा योगदान दिया। अब बताओ एक क्वेश्चन पूछ रहे, सती प्रथा को किसने समाप्त किया? सर
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। आप वेरी गुड, जो भी जवाब दिए बहुत अच्छा। ठीक है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, सती प्रथा को अगर हम आता है तो हमारा माइंड में नाम रहता है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने प्रयास से, ठीक है, दैट टाइम इंडिया रूल बाय द ब्रिटिश रूल, ठीक है, तो जो भी कानून बनता था वो ब्रिटिश की सहायता से बनता था, एंड दैट टाइम गवर्नर ऑफ इंडिया वाज द लॉर्ड विलियम बेंटिक हु एबोलिश्ड सती प्रथा अंडर रेगुलेशन एक्ट 1829, है ना, am I correct? Yes, sir. तो इन्होंने या किनकी सहायता से हुआ, अगर वह सहायता वर्ड होगा तो राजा राम मोहन रॉय, और किसने समाप्त किया तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। क्लियर, हम लोग यही इसी सब चीज को क्लियर करेंगे, ठीक है, वो परीक्षा में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। अब देखो राजा मोहन रॉय के बारे में और कुछ जानकारी। राजा राम मोहन रॉय का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में पुराने विचारों के से संपन्न एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। ठीक है, उनका कहाँ जन्म हुआ, बंगाली ब्राह्मण परिवार में। इनके पिता का नाम रमाकांत का नाम तारिणी देवी था। ठीक है, ये तो फैक्ट है। इनकी इनकी माँ भारतीय इतिहास के सबसे अंधकारमय युग में रह रही थी। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात, मैं कहानी बताऊंगा यहाँ पे। राजा राम मोहन रॉय जो उनका व्यक्तित्व था, उनका माँ का व्यक्तित्व ठीक उनके उल्टा था। राजा राम मोहन रॉय जब बाहर गए पढ़ने के लिए और जब उन्होंने पढ़ाई की तो उनको उनके अंदर एक रैशनल थिंकिंग आ गया, जबकि उनकी माँ जो थी पूरी तरह से पुरानी ख्याल की लोग थी। एक बार क्या होता है कि राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, टोपी पहन करके, ठीक है, अपने पूजा वाला रूम में चले जाते हैं, ठीक है, जिनके लिए उनके माता श्री उनको भगा देते हैं घर से, और राजा राम मोहन रॉय कई दिन तक घर के बाहर रहता है। ठीक है, तो पनिशमेंट देता था। तो एक तरफ बेटा जो एक पुत्र था राजा राम मोहन रॉय, पूर्ण रूप से किस तरह का था उनका व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व था क्या, आधुनिक सोच, और उनकी माता का ठीक उल्टा था। ठीक है, इसलिए अंधकारमय युग में रह रही थी, इनका कहने का मतलब यही है। उस समय देश में कई सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं से पीड़ित था। सामाजिक तौर से हम लोग पिछड़े थे, आर्थिक तौर पे अंग्रेज हमारा शोषण कर रहा था, राजनीतिक तौर पे भी हम अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है, जिसने धर्म के नाम पर विवाद पैदा कर रखे थे, हम देखे थे इंग्लिश किस प्रकार, अंग्रेजों ने किस प्रकार रूल किया। ठीक है, धर्म के नाम पे विवाद खड़ा कर दिया और आसानी से रूल करता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक स्कूल में संस्कृत और बंगाली भाषाओं के साथ हुई, संस्कृत भी सीखे थे। और आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग पता है, राजा राम मोहन रॉय को लगभग 12 भाषाएं आती थी। आगे की पढ़ाई पूरी करने के उद्देश्य इन्होंने पटना से मद्रास भेजा गया, अरबी और फारसी सीखा। देखो अरबी और फारसी भी सीखे। अरबी और फारसी सीखने का क्या रीजन था हम बता रहे हैं, अरबी और फारसी सीखने का रीजन था, एक तरफ मॉडर्न एज स्टार्ट हुआ था और उस समय टोटली रूप से अगर देखें तो मुगल वंश खत्म भी नहीं हुआ था, तो अरबी का थोड़ा मोड़ा बोलबाला था, पर्शियन का भी बोलबाला था, तो वो भी सीखे थे। ठीक है, वे वेदों और उपनिवेश जैसे संस्कृत हिंदू ग्रंथों की जटिलता को काशी चले गए। उन्होंने सोचा ये भाई ये तो हिंदुइज्म पे इतना सब जोर दे रहा है, क्यों दे रहा है। ठीक है, कराओ गले बिल्ला, अरे माइक ऑफ करो सब। वेद क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमारा संस्कृति, संस्कृति क्या बोल रहा है, इन विषयों को जानने के लिए माइक बंद कर दे। इन विषयों को जानने के लिए उन्होंने, ठीक है, वेदों और उपनिषद का भी अध्ययन किए। ठीक है, उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी भाषा सीख ली। ठीक है, अंग्रेजी भाषा सीख ली। राजा राम मोहन रॉय का बाद का जीवन आगे क्या होता है हम देखते हैं। उन्होंने ईसाई धर्म और अन्य धर्मों का अध्ययन बड़े पैमाने पर किया। ठीक है, वो न केवल हिंदू धर्म बल्कि ईसाई धर्म को भी अपनाया। ठीक है, धर्म को पढ़ा, नोट अपनाया। ठीक है, इस अध्ययन से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। उन्होंने एहसास हुआ कि हिंदू परंपराओं और अंधविश्वासों को सुधारने की आवश्यकता है। जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि हिंदू जो परंपरा है उनमें भी बहुत सारे त्रुटियां हैं, उनमें भी बहुत सारा कमियां हैं जिसको सुधारने की आवश्यकता है। इसके अलावा वो धार्मिक विभिन्नता वाले परिवार में पैदा हुए,
जिनकी वजह से शायद उन्हें अपनी सोच को नियंत्रित करना पड़ा। और वो बहुत ही अजीब बोले थे ना, उनका परिवार ठीक उल्टा था। राय मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, मोनोथिस्ट बोला जाता था। वो उनका मानना था ईश्वर एक है, ठीक है, उनका कोई आकार नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजा को वे खिलाफ थे। ये एक पीला में जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1828 ईस्वी में, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा समाज की स्थापना की। इससे पहले हम बता दे रहे 1815 में, ठीक है, उन्होंने आत्मीय समाज की स्थापना की थी। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी और इसी का नाम बदलकर 1828 में उसका नाम क्या रख दिया गया, ब्रह्मा समाज, ठीक है, याद रखो। हाँ, उनके प्रयासों ने वास्तव में वेदांता स्कूल ऑफ फिलोसॉफी के नैतिक सिद्धांतों की बहाली का नेतृत्व किया। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी क्या यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की, कलकत्ता यूनिटेरियन की भी स्थापना की थी, ठीक है, ये भी याद रखोगे। अब है उनको राजा का उपाधि कौन दिया, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, ठीक है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी। कब दिया था, जब वो इंग्लैंड जा रहे थे, ठीक है, किसी किसी काम के, उनका जो पेंशन उसन को लेकर कोई काम था, ठीक है, किसी का पेंशन रोक दिया था, ठीक है, इसको लेकर वो गए थे इंग्लैंड, ठीक है, और इंग्लैंड में ही उनका नाम, इंग्लैंड जाते समय उनका नाम दे दिया गया था, कौन, अकबर द्वितीय, जो कमजोर शासक था, ठीक है, अकबर वो वाला अकबर नहीं, मेन वाला अकबर नहीं, अकबर द्वितीय बार का था, ठीक है, बात का था ये, इनको दिया गया राजा का उपाधि, ठीक है। पहले उसके बाद राजा राम मोहन राय इंग्लैंड की यात्रा करने वाले पहले शिक्षित भारतीय थे, मैं बता दिया इंग्लैंड की यात्रा करने वाले पहले शिक्षित भारतीय थे, और वह मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे, ठीक है, राजदूत के रूप में उनको भेजा गया। अब देखो उनका समाज में सुधार क्या क्या था, ठीक है, बंगाल समाज की बुरी रीति रिवाज एवं कुप्रथाओं के दबाव, यहाँ पर जटिल अनुष्ठानों और विनम्र नैतिक संहिता का एक बड़ा प्रसार था, ठीक है, इनको दूर करने के लिए और सती प्रथा बहुपत्नी, ठीक है, जो बहुत सारा पत्नी रखता था, ठीक है, जाति कठोरता, जो जाति की समस्या थी, ठीक है, बाल विवाह, बच्चे में जो शादी कर दिया जाता था, ठीक है, खिलाफ आवाज उठाए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, सती प्रथा को बंद करना, बंद करना नहीं, देखवाना ना, मैं पूरा अंतर है ना, बंद करवाना मतलब उन्होंने प्रयास किया। यह एक ऐसी प्रथा थी, कैसी प्रथा थी मैं बता दिया, इसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब इनका कुछ शैक्षणिक सुधार में आ जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किए, ठीक है, उन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली के उल्लेखनीय प्रयास किए। शिक्षा प्रणाली में आधुनिकरण लाने के लिए राजा राम मोहन राय ने कई अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। उनका मानना था कि अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, इवन प्राइमरी एजुकेशन में भी, ठीक है, और अंग्रेजी को माध्यम बनाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए और इसके लिए उन्होंने कई स्कूल भी खोले। और 1817 ईस्वी में कलकत्ता में एक हिंदू महाविद्यालय की स्थापना की, ठीक है, ये जो हिंदू महाविद्यालय है ना, इसका नाम अभी हो गया प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है, और 4 महीना पहले मैं यहाँ से आया हूँ, ठीक है, 4 महीना पहले गया था, फरवरी में मैं 15 तारीख को कोलकाता में ही था, इस कॉलेज में जिसका नाम बता रहा हूँ, ठीक है, अभी यूनिवर्सिटी हो गया है, ठीक है। भारत की शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव किया जो देश के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थाओं में से एक बन गए, ठीक है। राय ने आग्रह किया कि विज्ञान प्रौद्योगिक, ठीक है, ये सब याद रखो, विज्ञान प्रौद्योगिक पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिक पश्चिमी चिकित्सा अंग्रेजी भारतीय स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रौद्योगिक पश्चिमी चिकित्सा और अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्कूल में इसका अध्ययन शुरू करवाया, ठीक है। उनका मानना था कि देखो हम लोग का जो शिक्षा प्रणाली है ना, बहुत ही खराब नहीं है, लेकिन वो थोड़ा आउटडेटेड था। उनको और आगे बढ़ने के लिए, समाज के साथ और आगे बढ़ने के लिए, विश्व से जुड़ने के लिए हम लोग को पश्चिमी शिक्षा को ग्रहण करना ही पड़ेगा, और उसके लिए हमको विज्ञान के साथ जुड़ना पड़ेगा, प्रौद्योगिकी के साथ जाना पड़ेगा, पाश्चात्य संस्कृति जो चिकित्सा था, ठीक है, हम लोग के पास, सोचो मान लो कि वो पहले जैसे क्या बोलते हैं ना, चरक जैसे
सर्जरी करते थे, अभी भी उस हथियार से अगर सर्जरी करे चाकू को से तो मर जाएगा अभी का आदमी, है ना। तो आज आधुनिकीकरण के कारण ही हम लोग कितना आगे बढ़े हैं, ठीक है। रशियन से सारा टेक्नोलॉजी आ रहा है, रशिया से आ रहा है टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्पेशली जो मेडिकल फैसिलिटीज है हम लोग को रशिया से बहुत सारा मिलता है, ठीक है। तो इनको इनको लाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्कूल में इसका अध्ययन करवाना। आई इन्होंने कुछ कुछ पत्रिका पत्र पत्रिकाएं छापी थी, ठीक है, जिनका नाम ये तीन नाम याद रखोगे, ठीक है, ब्रह्मवादिनी पत्रिका, संवाद कुमुदी, मीरातुर अखबार, ठीक है, ये तीन पत्रिका था, ठीक है। और इन पत्रिका के माध्यम से उन्होंने जो समाज में, ठीक है, जो बुराई था, ठीक है, उसको दूर करने का प्रयास किया, ठीक है। उन दिनों मृत्यु पे आते हैं, ठीक है, कुछ कुछ मैं छोड़ दे रहा हूँ जो बता दिया हूँ पहले इंट्रोडक्शन में। राजा राम मोहन रॉय की राय की 27 दिसंबर 1833 को ब्रिस्टल में, ठीक है, इंग्लैंड में ही मारे गए, हाँ, बुखार के कारण मृत्यु हो गई। देखो भाई, बुखार से भी मरता है, सब कोरोना से नहीं मरता है, ठीक है, कुछ कुछ बुखार से भी मर जाता है। ब्रिटिश सरकार ने राजा राम मोहन रॉय की याद में एक सड़क नाम ब्रिस्टल रख दिया, ठीक है, औनी के नाम पे, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने राजा राम मोहन की याद में एक सड़क का नाम ब्रिस्टल रख दिया, ठीक है। भारतीय द्वारा कई क्षेत्रों में बहुत सारे प्रगति किया गया है, लेकिन महिलाओं को स्थिति सुधारने में, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा योगदान था। तो अब अगर हम लोग इन शॉर्ट बोले, राजा राम मोहन रॉय क्या थे, आप लोग उन लोग के बारे उनके बारे में बहुत कुछ जान गए, लेकिन बेसिकली अगर पूछेगा तो नवजागरण काल के सबसे बड़े व्यक्तित्व राजा राम मोहन रॉय थे। इन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को चेंज करने का परिवर्तित करने का प्रयास किया। हमारी जो पहली शिक्षा प्रणाली थी, जो परंपरागत शिक्षा थी, जो गुरुकुल पद्धति थी, उनका ये लोग विरोध नहीं किया, कभी भी राजा राम मोहन रॉय विरोध नहीं किया। उनका मानना था इनके साथ साथ को ना जो आधुनिक शिक्षा है उस पर भी बल देना चाहिए, तभी हम पाश्चात्य संस्कृति से लड़ सकते थे। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने ये रियलाइज किया कि ये जो भारत और इंग्लैंड का लड़ाई था, ये एक लड़ाई तो था, एक जाति की लड़ाई तो था, एक मतलब सुपरिटी की लड़ाई तो था, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक संस्कृति की लड़ाई थी। अगर ये संस्कृति की लड़ाई नहीं होती तो अंग्रेज आकर अपनी संस्कृति को यहाँ पे फैलाने का प्रयास नहीं करते। तो ये एक संस्कृति की लड़ाई थी जिनको राजा राम मोहन रॉय समझे, और उनका मानना था जो संस्कृति समाज को आगे ले जाए उस संस्कृति को धारण करना चाहिए, ठीक है, इतना ही, चलो।